हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपके दोस्त काजोल। बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी काफ़ी ग्रेसफुल डांसर भी रही हैं और इस उम्र में भी वो अक्सर स्टेज पर परफॉर्म करती रहती हैं। हेमा मालिनी ने रविवार को भी मुंबई में अपनी गंगा नदी पर बेस्ड बैले डांस परफॉर्मेंस से हर किसी को हैरान कर दिया। हेमा NCPA मैदान में अपने फ्री स्टाइल डांस परफॉर्मेंस के दौरान गंगा में बदल गई। इसमें कुछ हवाई स्टंट भी शामिल थे। वहीं एक्ट्रेस की बेटी ईशा देओल ने हेमा के यूनिक स्टेज एक्ट की जमकर तारीफ करते हुए एक नोट शेयर किया है। ब्लू और व्हाइट आउटफिट में हवा में डांस करती हेमा मालिनी की एक स्टनिंग तस्वीर शेयर करते हुए ईशा ने ट्वीट किया, मेरी माँ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को स्टेज पर गंगा परफॉर्म करते देखा, बिल्कुल रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी। हमारे एनवायरमेंट और रिवर रिस्ट्रोशन पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ विजुअली स्टनिंग, उनका अलग शो जरूर देखें, लव यू ममा। हेमा ने इससे पहले पुणे और नागपुर में बैले डांस परफॉर्म किया था। डांस एक्ट के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैंने दुनिया भर में कई तरह के बैले डांस किए हैं और उन्हें जनता ने पसंद किया है। हम अपनी पौराणिक कथाओं जैसे कि दुर्गा राधा कृष्ण को शुद्ध शास्त्रीय रूप में पोर्ट्रेट करते हैं, अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन गंगा नदी पर इस बैले में हम बहुत शास्त्रीय नृत्य नहीं कर सकते, तो आपको सुंदर डांस की एक बहुत ही फ्री स्टाइल देखने को मिलती है। बिग बॉस 16 में सबसे ज्यादा ध्यान मंडली ने खींचा था। इस मंडली में अब्दुल रोजिक, साजिद खान, शिव ठाकरे, एमसी स्टैन, निमरत कौर और सुम्बिल तौकीर खान हैं। बिग बॉस में उनके बीच एक गहरी दोस्ती, गहरा बॉन्ड देखने को मिला, लेकिन शो के खत्म होने के बाद उनके बीच आए दिन खटपट की खबरें सामने आती रहती हैं। हाल ही में अब्दुल रोजिक ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि उनके और उनके दोस्त एमसी स्टैन के बीच चीज़ें ठीक नहीं हैं। एमसी स्टैन और अब्दुल रोजिक की बिग बॉस में बहुत गहरी दोस्ती थी। हालांकि शो के बाद अब्दुल ने पहले कहा था कि मंडली खत्म हो गई है और अब एमसी स्टैन के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बताकर सभी को हैरान भी कर दिया। हाल ही में अब्दुल ने लाइव सेशन के दौरान कहा कि एमसी स्टैन उनका फोन काट रहे हैं। अब्दुल ने कहा कि स्टैन मीडिया में कह रहे हैं कि वे उनका सॉन्ग प्रमोट करने के लिए कॉल कर रहे हैं। अब्दुल रोजिक ने फैंस के साथ बातचीत में अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा कि जब मैं एमसी स्टैन को कॉल करता हूँ तो मुझे हाय या फिर सलाम नहीं करते, बल्कि सीधा मेरा फोन काट देते हैं। हर कोई मुझसे एमसी स्टैन के बारे में पूछ रहा है, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं एमसी स्टैन के बारे में बुरा बोल सकता हूँ? जब भी वो बिग बॉस में दुखी रहा, मैं उसके साथ था हर वक्त। अब वो मीडिया में कह रहा है कि मैं उसे अपना गाना प्रमोट करने के लिए कह रहा हूँ, वैसा क्यों कर रहा है? मेरा सिर दर्द हो रहा है, जब से मैंने ये न्यूज़ देखी है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म किसी का भाई किसी की जान का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सोमवार को सलमान खान की इस अपकमिंग फिल्म का लेटेस्ट रोमांटिक सॉन्ग जी रहे थे हम का टीजर रिलीज हो गया है। किसी का भाई किसी की जान के इस रोमांटिक सॉन्ग में सलमान के साथ बिटाउन की फेमस एक्ट्रेस पूजा हेगड़े रोमांस फरमाते हुए नजर आ रही है। इसके साथ ही भाई जान ने जी रहे थे हम सॉन्ग के रिलीज डेट की जानकारी भी सोशल मीडिया पर दी है। सोमवार को सलमान खान ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के अगले सॉन्ग जी रहे थे हम का टीजर रिलीज किया। इस टीजर में आप देख सकते हैं कि लंबे बालों में सलमान खान का लुक एकदम कमाल दिख रहा है, जबकि अपनी खूबसूरती और कातिलाना अदाओं से पूजा हेगड़े फैंस के दिलों को जीत रही है। गाने के बोल फॉल इन लव आपको इस टीजर में साफ सुनाई दे रहे हैं। वही सलमान खान और पूजा हेगड़े के बीच की केमिस्ट्री भी आपको जी रहे थे हम के इस टीजर में साफ दिखाई देगी। खास बात यह है कि इस गाने को सलमान खान ने अपनी आवाज में गाया है। किसी का भाई किसी की जान के लेटेस्ट सॉन्ग जी रहे थे हम के टीजर के साथ ही सलमान खान ने इस सॉन्ग के रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया है। सलमान ने कहा है कि किसी का भाई किसी का जान का तीसरा गाना 21 मार्च यानी कि बुधवार को रिलीज होगा। इससे पहले किसी का भाई किसी की जान के नहीं लगदा और बिल्ली बिल्ली सॉन्ग हिट साबित हो चुके हैं। तो ऐसी मसालेदार चटपटी खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।